इस वाले गाने में आ रही है और बहुत हॉट उनका एक अवतार देगा इस गाने के जरिए और लोग इसका बहुत आनंद उठाएंगे इस गाने का स्पेशली। तो क्या पूरी फिल्म में मोनालिसा जी होंगी क्या ये एक एक गाने में? ये सस्पेंस है लेकिन फिलहाल जो गाना शूट हो रहा है वो उनपे उनके ऊपर हो रहा है एंड वो बहुत अभी देखेंगे तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं और दर्शक जैसा चाहते हैं वैसा उनको मोनालिसा दिखेंगे इस गाने के अंदर। अब इसमें आगे क्या होगा? वही फिर से वही टकराव, वही डायलॉग, वही जोश खरोश के साथ फिर से एक और बार दुल्हन को लाना होगा। अच्छा जो पार्ट वन में स्टार कास्ट थे क्या वही रिपीट हो गया? नहीं, कुछ जो थे वो तो है ही, उनके अलावा बहुत सारे नए लोग होंगे क्योंकि पार्ट टू का मज़ा तभी आता है जब नए चेहरे हों और बहुत बड़े चेहरे हों। तो जो फिल्म की भव्यता पार्ट वन की थी उससे ज़्यादा भव्य फिल्म होने वाली है। स्टार कास्ट बहुत बड़े बड़े इसमें और ज़्यादा होंगे, इसीलिए देखिए मैंने गाने का शुरुआत ही किया तो मोनालिसा चूँकि उसमें तो थी नहीं पार्ट वन में, उसमें कई सारी हीरोइनें दिखेंगी इस फिल्म के अंदर क्योंकि अब एक अलग जर्नी होगा दुल्हन सी पाकिस्तान से टू का और टू में इस जर्नी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे दिखेंगे जो दर्शकों के चहते चेहरे जिनको दर्शक हमेशा देखना चाहते हैं और उनको लाइक करते हैं। हर फिल्म में म्यूजिक काफ़ी अलग होता है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। हाँ मैंने दिया है और ये गाना जो है बहुत बहुत बढ़िया गाना है। लड़का जो है वो पूछता है चूँकि मोनालिसा है और आई भी हैं और किस तरह गांव का लड़का है तो पूछता है कि ये क्यों मतलब इस तरह से किस चक्की कांटा खाया है जो बदन तेरा गदराया है क्या जाके किया ससुराल। तो मोनालिसा जवाब देती है मैं सुसुक सुसुक के रोई थी जब गई थी पहली बार, यानी ससुराल आदमी जाता है तो कैसे वो रोता है, क्या तकलीफें क्या होती हैं मतलब घर से विदाई के बाद का वो गाने के अंदर एक वो है सिचुएशन। अच्छा आज फर्स्ट डे गाना मुंबई में शूट हो रहा है, शूटिंग और कहाँ कहाँ? शूटिंग जैसे जो लास्ट हमने फिल्म की थी गुजरात में किया था, मैंने बाघा बॉर्डर भी किया था, बहुत सारे शॉट पाकिस्तान से मंगाए थे तो ये सारी चीज़ें फिर इसमें होने वाली हैं और बहुत सारे और लोकेशन होंगे जो जुड़े हैं क्योंकि ये कहानी एक जगह की नहीं हो सकती, ये जर्नी होती है करेक्टर की, उसको चलना पड़ता है तो जहाँ जहाँ जाएगा वो लोकेशन उसके लिए प्रोवाइड करना होगा और उसी कड़ी में हमने यहाँ का जो एक सेट है जो बहुत बढ़िया प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी जब गाना शुरू होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चिंटू के लुक में भी कुछ चेंजेस होगा? हाँ बिल्कुल 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 होगा क्योंकि वो थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा दोनों के बीच में और थोड़ा डिस्टेंस भी है कहानी के अंदर तो काफ़ी मेचोरिटी इसके अंदर आएगी। बट अभी जो गाना है बहुत बबली है और बहुत पेपी सॉन्ग है, बहुत फुट टैपिंग सॉन्ग है जिसका मतलब जिसको कहते हैं डीजे पर नाचने वाला गाना ये है तो इस गाने पर ज़रूर लोग नाचेंगे और जी भर के नाचेंगे। तो दर्शक इंतजार कर रहे हैं कब तक रिलीज होगी? ये रिलीज तो मैं ईद पे करूँगा इसको और ईद के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ और ये फिल्म जो है वो ईद पे ही। अशोक जी।